हेलो दोस्तों, आंचल टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। आज है अगस्त की 9 तारीख, संडे का दिन है। संडे अपडेट गार्डन ओवरव्यू शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। आज मैं दोनों गार्डन का ओवरव्यू शेयर करूंगी, पोर्च गार्डन का भी और टेरेस गार्डन का भी। हमारे यहाँ कल शाम से ही कंटिन्यू बारिश हो रही है, या एक प्रकार से यूँ कहिए कि सावन की झड़ी लग गई है। फ्रेंड्स, कंटिन्यू दिन रात में भी बारिश हुई और अभी भी बारिश हो रही है। और ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ, दोपहर 12 बजे हैं अभी। और चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए ड्रैगन फ्लाई कितना सुंदर, और यहाँ पर एक्जोरा के प्लांट हैं। काफ़ी सारे प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, इंडोर आउटडोर सभी तरह के। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा गार्डन और कैसे लगे मेरे प्लांट्स। और कोई भी इंक्वायरी यदि होगी तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं, मैं आंसर ज़रूर करूंगी। और ये देखिए पर्पल वाला हिबिस्कस, डबल पेटल वाला, बहुत खूबसूरत। और अभी हिबिस्कस के फ्लावर्स अच्छे से खिल रहे हैं, और जो हाइब्रिड हिबिस्कस होते हैं वो ठंड के मौसम में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, और देसी हिबिस्कस होता है वो समर और रेनी सीजन में। ये देखिए देसी हिबिस्कस है, ये डबल पेटल वाला, देखिए कितना प्यारा कटिंग से ग्रो किया है मैंने। और जैसा कि पिछला वीडियो मैंने शेयर किया था कि मेरे गार्डन के आधे से भी ज़्यादा प्लांट कटिंग से ही तैयार हुए हैं। ये रेड वाला हिबिस्कस भी कटिंग से ही रेडी हुआ है, और यहाँ पर गुलदाउदी के मदर प्लांट हैं, इन्हीं से मैंने कटिंग लगाकर नए प्लांट बना रखे हैं। उनको मुझे रिपोर्ट भी करना है फ्रेंड्स, एक दो प्लांट को मैंने रिपोर्ट कल किया था। और ये देखिए टोरोनिया के प्लांट कितने सारे उगे हुए हैं अपने आप सीड से, क्योंकि मैं कभी सीडलिंग इसका करती नहीं हूँ और न ही इसका कटिंग भी लगाने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि सीड मेरे पॉटिंग मिक्स में गिरे होते हैं। और पॉटिंग सॉयल जब हम तैयार करते हैं तो पॉट में ये सीड जर्मिनेट होते रहते हैं। तो ये जब से मेरे गार्डन में आया है पिछले 4 सालों से, उसके बाद टोरेनिया का जो ये वैरायटी है, कलर वैरायटी, वो कभी मेरे गार्डन को छोड़कर नहीं जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मधुमालती, झुमकी बेल भी बोलते हैं इसे, और देसी वैरायटी वाला है ये। नीचे पोर्च गार्डन में क्यारी में लगा हुआ है, आपको मैं नीचे पोर्च का भी व्यू दिखा देती हूँ। और देखिए बारिश हो ही रही है, छाता लेके मैं वीडियो शूट कर रही हूँ फ्रेंड्स। और गुड़हल का प्लांट और भी काफ़ी सारे प्लांट्स हैं नीचे में पोर्च में, मैं उसको भी आज आपको दिखाने वाली हूँ। और यहाँ देखिए हमारा जो ब्लीडिंग हार्ट है, बहुत सुंदर, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ब्लीडिंग हार्ट का जो फ्लावर होता है वो देखने में बहुत सुंदर लगता है। ये मदर प्लांट है, इसको मैंने 100 रुपये में ख़रीदा था पिछले साल, और इसी की कटिंग से 3 नए रेडी हो गए हैं नए प्लांट। अभी फरवरी मार्च के महीने में मैंने ग्रो किया था कटिंग, और उसको भी आप देखेंगे। उस तरफ जो एरिया है मेरा कटिंग वाला एरिया, उस तरफ मैंने सारे कटिंग को रखा हुआ है। और ये जो पिंक वाला हिबिस्कस, ये भी देख रहे हैं, ये भी वही देसी वैरायटी वाला है, और इसको भी मैंने कटिंग से ही रेडी किया है। यहाँ पर जो कनेर के जितने भी आप प्लांट देख रहे हैं सभी कटिंग से तैयार हुए हैं। और ये पाउडर पफ है, यहाँ पर नाग चंपा, ये भी कटिंग से रेडी हुआ है। पाउडर पफ को मैंने ख़रीदा था। और यहाँ देखिए ये वाला हिबिस्कस, इसमें क्रीम कलर के फ्लावर आते हैं, रेड वाला भी है यहीं पर, और ये दोनों ही कटिंग से ही रेडी हुए हैं। बहुत इजीली ग्रो होता है हिबिस्कस का जो प्लांट है वो, चाहे आप देसी लगाएं चाहे आप हाइब्रिड लगाएं। फ्रेंड्स देखिए 5-6 फ्लावर आज रेड हिबिस्कस में खिले हुए हैं देसी वाले में, और इसका प्लांट काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो जब भी इस प्लांट को आप ग्रो करें तो बड़े पॉट में करें, कम से कम 10 इंच से ऊपर होना चाहिए। 10 इंच के पॉट में यदि लगाते हैं तो हर साल आपको रिपोर्टिंग करनी होगी, और थोड़े बड़े पॉट में लगाएंगे तो 2-3 साल के बाद रिपोर्टिंग करना होता है। तो मैंने 20 लीटर के बकेट में लगाकर रखा हुआ है कई सारे प्लांट्स को। और ये अलमंडा बूश है हमारा, अलमंडा बूश से भी मैंने कई सारे कटिंग तैयार किए हैं, और अभी इसमें फ्लावर्स कम हो गए हैं। समर सीजन में इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग चली थी फ्रेंड्स, देखते ही बना था मेरा। आप समर गार्डन ओवरव्यू जरूर देखिएगा, इस प्लांट पूरा जो प्लांट है वो फूलों से भरा हुआ था। और इस तरफ आते हैं तो इधर भी कई सारे प्लांट्स मेरे रखे हुए हैं। ये देखिए हमारा जीनिया,
टॉल वैरायटी का, और यहाँ पर गेंदा भी देख रहे हैं। इसको मैं स्कूल के पास के घर से लेके आई थी, उन्होंने हमें बहुत सारे सीडलिंग ला कर दिए थे स्कूल में लगाने के लिए भी, और स्कूल में लगाने के बाद जो बच गया था उसको हम घर ले आए थे। और देखिए कोचिया को मैंने हटा दिया, कल ही हटाया है कोचिया को। और इस तरफ देखिए हमारा जो प्लांट है बहुत सुंदर ग्रो हो रहा है, और बारिश हो रही है आज बहुत कंटिन्यू हो रही है, जिसके कारण से आप देख सकते हैं फ्लावर्स भी कम आ रहे हैं, फ्लावर्स का साइज थोड़ा छोटा हो गया है। पर्सलेन, जो पर्सलेन एक ऐसा पौधा होता है फ्रेंड्स, पर्सलेन पोर्चुला का, जो तेज़ धूप होता है तभी उसके फ्लावर्स बहुत अच्छे से उभर कर खिलते हैं। यहाँ 4 o'clock का प्लांट आप देख रहे हैं जो अभी बिल्कुल मुरझा सा गया है इसके फ्लावर, क्योंकि शाम को खिलते हैं, रात भर रहते हैं। और यहाँ देखिए जीनिया की एक और वैरायटी, पिंक वाला, और बहुत सारे जीनिया के प्लांट मैं लेकर आई हूँ स्कूल के बाजू वाले घर से, तो देखते हैं 2-3 कलर्स के तो निकल गए हैं। और यहाँ देखिए गुल मेहंदी का प्लांट भी हमें फ्री में ही मिल जाता है हमारे एरिया में, ये रोड साइड में बहुत ही उगता है फ्रेंड्स, डबल पेटल, सिंगल पेटल, कई सारे कलर्स वैरायटी में, तो इसको हमारे यहाँ लेने की ज़रूरत नहीं होती। यदि नर्सरी वाला लेकर आएगा भी तो कोई खरीदेंगे भी नहीं। और यहाँ देख सकते हैं जेट प्लांट, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंटास, और ये देखिए लहसुनिया बेल है, यहाँ पर एक जोरा वाइट है, कटिंग से रेडी हुआ है, फ्लावरिंग शुरू हो गई है। और इस तरफ देखिए क्रोटोन की जो कटिंग मैंने आप लोग से शेयर की थी, कटिंग लगाना, वो सभी ग्रो हो गए हैं। एक दो जो कटिंग है वो फेल हुई है ज़रूर, उसको मैंने हटा दिया है, और बाकी मेरे 90% जो कटिंग है वो रेडी हो गए हैं फ्रेंड्स, अच्छे से चल रहे हैं। तो इनको रिपोर्ट कर दूंगी, एक आध महीने बाद करूंगी जब अच्छे से इसमें रूटिंग हो जाएगी तब। और यहाँ देख रहे हैं वो रेक्स बिगोनिया है, रेक्स बिगोनिया का मदर प्लांट ख़राब हो गया है, उसका वीडियो मैंने कल बनाया है, उसको आने वाले एक दो दिन में शेयर ज़रूर करूंगी, और मैंने उसे हटा ही दिया है। और देखिए यहाँ पर एक बेबी टीयर्स है, बहुत सारे प्लांट्स हैं, एल्युमिनियम प्लांट्स हैं, एल्युमिनियम प्लांट्स भी ब्री का ही है। और यहाँ देख रहे हैं बालसम है, देखिए गुल मेहंदी, और यहाँ कोलियस की वैरायटी लगी हुई है, यहाँ अरेलिया है, और ये अलमंडा है, छोटे पत्तों वाला बेल वाला अलमंडा है, ये हमारे पड़ोसी के घर में था तो वहाँ से मैं कटिंग मंगवा के लगाई हूँ, देखते हैं ग्रो होता है कि नहीं। कैलनकोई की कटिंग आपने देखा, इतने सारे कैलनकोई के कटिंग रेडी हो गए हैं, तो बस बारिश थमने का इंतज़ार है, उसके बाद फिर मैं इनको रिपोर्ट करूंगी। प्लास्टिक का मैंने गमला भी मंगा लिया है 10 इंच वाला, और ऑनलाइन शॉपिंग करी है फ्लिपकार्ट से, 25-25 रुपए में मिला है मुझे गमला, तो उन्हीं में मैं कैलनकोई के प्लांट को लगाऊंगी। कैलनकोई के लिए कोई बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसके जो रूट्स होते हैं वो ज़्यादा फैलते नहीं हैं फ्रेंड्स, तो आप उसको 8 इंच के गमले में लगा सकते हैं, 6 इंच 8 इंच के गमले में बहुत अच्छे से चलता है, सबसे बेस्ट साइज गमले का उसके लिए 8 इंच होता है। और मिट्टी का गमला बहुत सुंदर होता है उसके लिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है, लेकिन क्या करें मिट्टी का गमला मिलता नहीं है आसानी से यहाँ पर, तो मैंने प्लास्टिक के ही गमले मंगा के रखे हुए हैं। और देखिए यहाँ भी टोरेनिया आप देख सकते हैं, गमले में कितने सारे टोरेनिया के प्लांट उगे हुए हैं, तो टोरेनिया के प्लांट को भी मुझे शिफ्ट करना है, उसके लिए भी गमला चाहिए। बस पॉट का इशू हो जाता है, काफ़ी सारे प्लांट्स ग्रो होते रहते हैं। और यहाँ देख सकते हैं नर्सरी से जो मैं कटिंग लेके लाई थी लड्डू गेंदा की, वो भी ग्रो हो गए हैं 100%, कोई भी कटिंग फेल नहीं हुई। और ये है हमारा चांदनी है वेरीगेटेड, और इसको भी मैंने कटिंग से ही रेडी किया हुआ है। और इस तरफ देखिए तेज पत्ता का प्लांट आपको दिख रहा होगा, डहेलिया के प्लांट हैं, रात रानी के प्लांट हैं, सभी कटिंग से तैयार हुए हैं। डहेलिया के तो बल्ब को मैंने सेव करके रखा हुआ था, और उसी से प्लांट उग रहे हैं, और उसकी कटिंग अभी एक आध हफ्ते बाद मैं लगा लूँगी। तो वीडियो यदि आप देखना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं शेयर कर दूँगी कि डहेलिया की कटिंग किस तरह से ग्रो करनी चाहिए। और ये देखिए हमारा जो येलो बटरकप का फ्लावर है वो कैसे मुरझा सा गया है पानी के कारण, और ये पिपरोमिया के 4 कटिंग रेडी हो गए हैं मेरे। पिपरोमिया का प्लांट ख़राब हो रहा था फ्रेंड्स, तो मैंने उसकी कटिंग लगाकर उसे सेव कर लिया है। यहाँ पर अलमंडा वाइन देख रहे हैं येलो कलर का, और ये देखिए ये हमारा मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट है। मॉर्निंग ग्लोरी का जो प्लांट है उसको मैंने सीड के लिए छोड़ दिया है, इसकी पिंचिंग नहीं की, सीड को मैंने नहीं हटाया, सीड पॉट को, तो ये अब फ्लावरिंग नहीं कर रहा है अच्छे से, इसमें बहुत सारे सीड बन चुके हैं, तो उनको कलेक्ट कर लेंगे और फिर
वो आसानी से सीड से उग जाता है। और ये जो पॉट आप देख रहे हैं खाली वाला, इसी में कोचिया के प्लांट लगे हुए थे तो उनको मैंने हटा दिया है, और इसी 6 पॉट खाली हो गए हैं तो इसमें मैं कैलेन कोई लगा दूंगी, और जो 12 पॉट और मंगाए हैं फ्लिपकार्ट से उनमें भी मैं कैलेन कोई लगाने वाली हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं, ये मेरे गार्डन की अभी शान है, फर्स्ट लव का प्लांट, देखिए पूरा ब्रांच फूलों से भरा हुआ है, सभी ब्रांच में इसमें फूल लगे हुए हैं, बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग करने वाला परमानेंट प्लांट होता है। 2-3 कलर वैरायटी के फ्लावर वाले प्लांट इसको इसमें आपको मिल जाएंगे, 100 से 120 रुपए तक इसका प्लांट आपको नर्सरी में मिल जाएगा। कटिंग लगाकर मैंने ट्राई किया था लेकिन मेरी कटिंग नहीं लगी फ्रेंड्स, फरवरी के मंथ में मैंने लगाया था इसकी कटिंग तो ग्रो नहीं हुई। और ये टिकोमा है, टिकोमा की कटिंग अच्छे से ग्रो हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हैदर है, ये मैक्सिकन हैदर, ये भी बहुत इजीली कटिंग से ग्रो हो जाता है। और अभी बिल्कुल भी कोई भी फर्टिलाइज़र मैंने अपने गार्डन में ऐड नहीं किया है अपने प्लांट के ऊपर, क्योंकि मेरे पास फर्टिलाइज़र है भी नहीं। वर्मी कंपोस्ट जो मेरा मेन फर्टिलाइज़र होता है, वर्मी कंपोस्ट होता है, सबसे ज़्यादा मैं उसी फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने गार्डन में करती हूँ, और अभी 2-3 महीने से मेरे पास वो नहीं है, तो थोड़ा बहुत केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रही हूँ जब रिपोर्ट कर रही हूँ तो। और बाकी ये सारे जो प्लांट आप देख रहे हैं इनमें मैं किसी तरह से कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दे पा रही हूँ। जल्द ही मुझे वर्मी कंपोस्ट लाना होगा, क्योंकि जो रिजल्ट वर्मी कंपोस्ट देता है मुझे, वो रिजल्ट कोई और दूसरा फर्टिलाइज़र नहीं देता फ्रेंड्स। इसलिए मैं हमेशा आप लोग को बोलती हूँ कि वर्मी कंपोस्ट आप ज़रूर यूज़ करें अपने प्लांट्स पर। और यहाँ देख सकते हैं गुलाब का प्लांट है, ये हमारा टिकोमा है, इसमें फ्लावर इस तरह से होते हैं। टिकोमा की 2 वैरायटी है ऑरेंज में मेरे पास, एक ये वाली है और एक आपने अभी देखा वीडियो में। और ये देखिए एरेंथमम के प्लांट है, और ये भी कटिंग से रेडी हुए हैं। इधर आते हैं तो गुलाब का एरिया है, गुलाब इस साल मेरे 4-5 खराब हुए हैं समर सीजन और रेनी सीजन में, तो मुझे हो सकता है इस विंटर सीजन में लेना पड़ेगा हाइब्रिड जो गुलाब है। लगभग 15 गुलाब अभी भी मेरे पास बचे हुए हैं, 15 वैरायटी के गुलाब है, जिसमें देसी भी है और हाइब्रिड भी है। और यहाँ आप देख सकते हैं कितना सुंदर कोलियस की कटिंग ग्रो हो रही है, हो चुकी है, उनको सेपरेट करना होगा, लेकिन वही है पॉट का इशू हमेशा। और देखिए बारिश हो ही रही है, प्लांट जो पॉट है उसमें भी पानी भर गए हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे पॉट को मैंने तिरछा करके पानी को निकाला भी है। और अभी भी देखिए यहाँ पर 3 प्रकार के अपराजिता के प्लांट हैं यहाँ, बहुत सुंदर, जिसमें से एक ब्लू कलर में फ्लावर आया हुआ है। और ये देखिए ये पाउडर पफ है, इसमें टोरेनिया का प्लांट उगा हुआ था जिसको मैंने हटा दिया है। और ये कैलेन कोई है, ये रेड कलर का कैलेन कोई का प्लांट है, इसको भी सेपरेट करना है, कटिंग लगा के रखा हुआ था मैंने। और इस तरह भी देखिए सारे प्लांट आपको दिख रहे होंगे मेरे गार्डन में, टोरेनिया के प्लांट काफ़ी सारे। ये देखिए डहेलिया का बल्ब इसमें सेव था और अब उसमें प्लांट्स निकल रहे हैं, तो उनकी कटिंग लगाकर हम कई सारे डहेलिया के प्लांट तैयार कर सकते हैं। 3-4 कलर वैरायटी के डहेलिया के प्लांट थे मेरे पास पिछले साल, और मुझे पता नहीं है, जिसमें से 2 मिनी डहेलिया भी थे, एक कत्थे कलर का और एक येलो कलर का। तो देखते हैं जब फ्लावरिंग होगी तभी पता चल पाएगा फ्रेंड्स। स्टेम से भी पता चल जाता है, डार्क स्टेम है तो डार्क कलर का रहता है, लाइट स्टेम है, लाइट कलर का स्टेम है तो लाइट कलर का रहता है फ्लावर उसमें। और यहाँ आप देख सकते हैं मेरा अडेनियम का प्लांट है, ये वाइट अडेनियम है, और समर सीजन में मैंने ऐड किया था, उसी में मैंने पिंक अडेनियम की ग्राफ्टिंग कर दी है। और ये पिंक अडेनियम है जिसमें मैंने वाइट अडेनियम की ग्राफ्टिंग की है, तो बर्ड्स तो बन चुके हैं, अब इसमें फ्लावरिंग भी हो जाएगी और काफ़ी सारे बर्ड्स अब बन रहे हैं इसमें अडेनियम में। ये देख सकते हैं आप, बहुत सारे बर्ड्स बन गए हैं और कुछ ही दिनों में इसमें फ्लावर्स बहुत अच्छे से हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए अब पोर्च का व्यू दिखाती हूँ मैं, हम आ गए हैं पोर्च में अपने, और ये हमारा तितली प्लांट है, और ये देखिए बहुत सुंदर डॉलर प्लांट है जिसे क्वाइन प्लांट भी बोला जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जीजी प्लांट है, यहाँ पर एग्लोनीमा है, यहाँ सारे मेरे इंडोर प्लांट्स रखे हुए हैं जिनको मॉर्निंग की आधा घंटे की सनलाइट मिल जाती है। और बहुत सारे प्लांट्स को मैंने अभी बाहर भी निकाला हुआ है, और ये जो 2 प्लांट आप देख रहे हैं ना, मुझे मेरी फ्रेंड ने लाकर दे दिया है, उनके पास ये ख़राब हो रहा था तो उन्होंने कहा कि आप इसका ट्रीटमेंट करें, इनको
सुधारें। तो कल ही मैंने इनको भी रिपोर्ट कर दिया था, पॉलीबैग में लाकर उन्होंने छोड़ा था। और ये देखिए फाइलोडेंड्रन की दो वैरायटी है, एक टेंगल शेप का लीव्स वाला और एक सिंपल लीव्स वाला। और यहाँ पर देखिए मैंने जरबेरा की कटिंग लगाकर रखी हुई है जो ग्रो हो चुकी है। और यहाँ भी कैलेनकोई के प्लांट रखे हुए हैं काफ़ी सारे। पेडिलेंथस आप देख सकते हैं वेरीगेटेड वाला, बहुत सुंदर। और ये देखिए कैलेडियम, कैलेडियम के जो अलग अलग पॉट में लगे हुए थे, पॉट में नहीं लगे थे, ग्रो बैग में लगे हुए थे ब्लैक वाला, उसको मैंने एक पॉट में शिफ्ट कर दिया है 12 इंच के पॉट में। और इसको भी मैंने कल ही शिफ्ट किया है, जिसमें तीन वैरायटी के कैलेडियम आपको दिख रहे होंगे फ्रेंड्स। देखिए सिल्वर वाला और एक रेड वाला और एक छीटे वाला। और यहाँ आप देख सकते हैं मेरा फिर से एग्लोनीमा का प्लांट, जिसे मैंने हैंगिंग बास्केट में लगाया हुआ है। बुद्धा जी हमारे हैं और इसको मेरी बेटी ने बनाया है पेंटिंग से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत हमारा चाइनीज़ पाम, चाइना पाम है ये, दो प्लांट है मेरे पास चाइना पाम के। और इस तरफ आते हैं तो डिफिन बेकिया, आपका टेंगल हार्ट और आपका पर्पल हार्ट, पर्पल हार्ट तो नहीं, टेंगल हार्ट है। और ये हमारा देखिए, ये देखिए ये वाला, ये मिट्टी का एरिया है, मिट्टी यहाँ पर डला हुआ था पहले से ही। और जैसे ही बारिश हुई फ्रेंड्स, इसमें देखिए कितने सारे प्लांट्स सूख गए हैं, क्योंकि मैंने कुछ प्लांट्स को इधर फेंका भी था, वही ग्रो हो गए हैं। और ये देखिए ड्रेसिना की वैरायटी है मार्जिनाटा, वो उसके पत्ते गल रहे हैं, कंटिन्यू बारिश में रखा हुआ है इसका प्लांट, इसलिए ये गल रहे हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखिए हमारा टर्टल वाइन का प्लांट है, बहुत तेज़ी से ग्रो करता है समय, ये अभी रेनी सीजन में इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। टर्टल वाइन है, टेंगल हार्ट है, इस तरह के। और ये देखिए ये कुछ प्लांट्स को मैंने पानी में निकाल कर रखा हुआ है, क्योंकि बारिश का पानी ज़रूरी है। यदि आपके प्लांट भी सैडी प्लेस पे रखे हुए हैं तो उसको समय समय पर बारिश का पानी ज़रूर दें, बारिश के पानी में ला कर उनको रख दें फ्रेंड्स। और यदि आप नहीं ला सकते तो बारिश के पानी को कलेक्ट कर लें और डालें उस पर, क्योंकि बहुत अच्छा काम करता है, एक प्रकार से नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है बारिश का पानी जो होता है वो। और नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी अच्छे से होती है उसमें, और हमारे जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो बहुत तेज़ी के साथ होती है बारिश के दिनों में। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप बहुत सारा एरोरूट का प्लांट है, ये भी फ्री का ही प्लांट है, कटिंग से रेडी हुआ है। ये जो आप क्रोटोन की वैरायटी देख रहे हैं, ये भी फ्री से ही रेडी हुआ है कटिंग से। और देखिए कल पेंटास के प्लांट को मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया है, फेंकने का मन नहीं होता। तीन चार पेंटास के प्लांट को मैंने कल खाली किया है, पॉट में लगा हुआ था। लेंटाना के प्लांट को भी खाली किया है, तो उसको मैं पड़ोस में दे दी, बड़ा सा प्लांट था। और छोटा जो लेंटाना का प्लांट था उसको मैंने क्यारी में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि फेंकने का मन होता नहीं। हम गार्डनर को के पास कितने भी प्लांट क्यों ना हो फ्रेंड्स, लेकिन प्लांट को फेंकना थोड़ा सा अखरता है। और ये देखिए क्रोटोन की वैरायटी, दो वैरायटी यहाँ पर देखिए, गोल्डन डस्ट वैरायटी में एक पतले पत्तों वाला और एक सिंपल पत्ते वाला। और ये देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है, ये भी कटिंग से रेडी हुआ है। और ये उड़ीसा की मेरी सब्सक्राइबर ने जो प्लांट्स भेजे थे उनको मैंने यहाँ पर लगा के रखा हुआ है, आई होप ये सर्वाइव कर जाए, अच्छे से ग्रो हो जाए। और ये अरिका पाम आप देख सकते हैं, तीन पॉट रेडी कर लिए हैं, वैसे तो चार पॉट रेडी किए थे मैंने, एक पॉट स्कूल में शिफ्ट किया था। और यहाँ देखिए कितना प्यारा दिख रहा है हमारा तुलसी मैया का प्लांट, बहुत बड़ा साइज का हो गया है। और देखिए हमारी गौरैया, जिसे हम लोग हमारी स्थानीय भाषा में चटिया चिरई बोलते हैं, और बहुत अच्छे से ये लोग भी बारिश का आनंद ले रहे हैं। और मेरे गार्डन में जो गौरैया पक्षी है फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। और यहाँ जरबेरा का प्लांट आप देख सकते हैं, बहुत सारे हैं, 6-7 जरबेरा के प्लांट हैं, देसी वैरायटी, एक टिशू कल्चर है और बाकी सारे देसी हैं। तो इन पर भी मुझे काम करना है, थोड़ा सा फर्टिलाइज़र वगैरह दे के इनको तैयार करना है। जैसे ही बारिश रुकती है तो मैं ये सब काम करने वाली हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए हमारा यहीं पर लगा हुआ है, और ये देखिए बहुत सुंदर गुलाब, ये इसी गुलाब के बारे में मैं बात कर रही थी, ये मेरे गार्डन में बहुत 3-4 साल से है फ्रेंड्स। जो जैसे ही खिलता है सारे लोग तोड़ के ले जाते हैं, पता नहीं क्या है। तो आज देखिए यही शेयर कर रहा था, हैप्पी गार्डनिंग।